नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संचार क्रांति के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के शहादत दिवस पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। साली के प्रेम में पागल पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नदी किनारे किया दफन। बेगूसराय में भोज खाकर घर वापस लौटने के दौरान पत्रकार की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। जांच में जुटे पुलिस। रोजगार मेला में युवाओं की उमड़ी भीड़, बेरोजगारों में जगी उम्मीद। और सहरसा पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत में संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि शनिवार को विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जी शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इसको लेकर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत में संचार क्रांति लाने के साथ संविधान में संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निकायों को पर्याप्त शक्ति प्रदान किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंजाब के खालिस्तानी आंदोलन एवं असम के छात्र आंदोलन को अपनी राजनीतिक सूझबूझ से समाप्त कराया। साथ ही कहा कि देश के लिए किए गए उनके योगदान से युवाओं को प्रेरणा मिलती रहेगी। इधर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव ने कहा कि राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में भारत को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान की। मौके पर महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टिक, नगर अध्यक्ष सोइन अंसारी, अभिषेक चौबे, मिंटू कुरैशी, शिव शंकर सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राजीव जी का की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। राजीव जी भारत में संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने पंचायती राज और नगर निकायों को जो है संविधान में संशोधन करके सशक्त बनाया उसको। वही नहीं, पंजाब और असम जब जल रहा था, राजीव जी ने शायद दुनिया के पहले प्रधानमंत्री होंगे कि अपनी सरकार को बर्खास्त करके आसाम में जो शांति का मार्ग प्रशस्त किया। वो हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और हम उनसे हमेशा हमें सतत प्रेरणा मिलती रहेगी देश सेवा की। साली के प्यार में दीवाना होकर अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 चकला गांव की है, जहां बबलू मुखिया ने अपनी पत्नी आशा देवी की हत्या गला दबाकर कर दी। बताया जा रहा है कि अपनी साली के प्यार में अंधे होकर बबलू मुखिया ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नदी किनारे मिट्टी में दबा दिया। वहीं इस घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने घटना के पीछे आशा के पति बबलू मुखिया और उसके परिवार वालों के शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के परिजनों ने घटना की जानकारी छातापुर थाने को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के घर पहुंचकर तलाशी ली, लेकिन घर से सभी लोग फरार हो चुके थे और पुलिस को वहां से कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने मृतका का शव गेरा नदी के किनारे मिट्टी खोद कर बरामद कर लिया। घटना को लेकर मृतका की माँ विद्या देवी ने अपने दामाद बबलू मुखिया सहित उसके घर वालों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। वही थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन ने बताया कि आशा देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मैटर है कि शादी का मैटर है। एक ही घर की दो बहन है, जो इसका हस्बैंड मेरी ननद का छोटी बहन है, उसी के साथ इसका हस्बैंड शादी कर लिया भगा के, और उसको रखने के लिए वो अपनी पहली वाली पत्नी से लड़ाई कर रहा था बहुत ज़्यादा, इसको रखो साथ में, लेकिन वो मारने के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण ये लोग क्या किया, उसको मार के एकदम लाश को गायब कर दिया। अच्छा, कैसे आपको सूचना कैसे मिली? सूचना में हमको यहाँ का कोई आदमी है, कुछ है हमारे जीवसपुर गांव का कोई यहाँ का संपर्क में था, तो हमको फोन करके बताया कि वहाँ कुछ कांड हो गया है, आप लोग जाके
पता कीजिए। कितने बजे आपको सूचना मिली है? लगभग 7:30 लगभग। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र परिहारा ओपी अंतर्गत साखू गांव निवासी और पेशे से पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या अपराधियों ने शुक्रवार की देर शाम गांव में ही गोली मारकर कर दी। घटना को लेकर बताया जाता है कि गांव के ही कुछ अपराधियों ने शाम के 8 बजे के करीब सुभाष कुमार को उसके घर के पास ही बुलाकर गोली मार दी। गोली सुभाष कुमार के सिर में मारी गई है, जिसकी आवाज सुनकर लोगों के घर से बाहर निकलते ही अपराधी सुभाष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद आनंद फानन में ग्रामीणों द्वारा घायल पत्रकार को वखरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुभाष कुमार को मृत घोषित कर दिया। इधर इस घटना से शाखू और आसपास के लोग दहशत में हैं, जबकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वखरी परिहारा पुलिस ने सुभाष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। एक पंगहित में खेला के बाद हम आगे बढ़ गए, पीछे रह ले वहाँ पर से ये कर मम्मी कल के की अत गोली वह हमरा घर के सामने सामने नहीं लगले है। कहाँ पर मस्तक पर छ देखियो कि ना हो बेटा के मारल के कुछ 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 लगे छ के मारल के घटना छ रीजन की होले रीजन होते ना दुश्मनी से कोई मारबेल के हन गा कथी लेखरा पत्रकार से की दुश्मनी रहा दुश्मनी बहु एगो वार्ड में जीतले वार्ड में एकरा ओ खड़ा करके जीतल के आ सब काम करबावे रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार रोजगार को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन रोजगार मेला में युवाओं की भीड़ सरकारी दावों की पोल खोल रही है। कुछ माह पूर्व कोरोना का कहर और लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, जबकि कल कारखाने और आय के साधन बंद होने से युवाओं को जन्मभूमि पर लौटना पड़ा। वहीं बेरोजगार हुए युवा अब स्थानीय स्तर पर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। ऐसे में भागलपुर दाऊद चक स्थित रहमान इनक्लेव जॉब की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। इसी कड़ी में शनिवार को ATMH और AMP के संयुक्त बैनर तले रहमान इनक्लेव में जॉब ड्राइव का आयोजन किया गया। जॉब मेला में सुबह से शाम तक नौकरी पाने के लिए युवाओं की भीड़ जुटी रही। जॉब मेले में एयरटेल, बाटा, आदित्य बिरला, TVS, मैकडोनल्ड, OHEC, ऑरेंज बेकरी समेत कई कंपनियां आई। वहीं डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने बताया कि मेला में काफी संख्या में नौकरी की तलाश में युवा आए, जिनका इंटरव्यू लिया गया है। उन्होंने बताया कि जॉब के लिए फ्रेशर ने भी अप्लाई किया है। जॉब ड्राइव के समन्वयक मोहम्मद नदीम ने जानकारी दी कि पहले राउंड में 108 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, जिन्हें 15 दिनों के बाद फिर इंटरव्यू देना होगा। उन्होंने बताया कि रिज्यूम और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम रूप से कंपनी युवाओं को जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट करेगी। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान, प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी, डॉक्टर जिया अहमद, डॉक्टर शहाबुद्दीन, नसीम अख्तर, राजीव कुमार सिंह और अगत आतिथियों ने डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान के प्रयास की सराहना की। बताया कि आवेदक इंटरव्यू क्रैक करके आसानी से जॉब पा सकते हैं। इधर जॉब मेले में नौकरी की तलाश में आए युवाओं ने कहा कि भागलपुर शहर में भी जॉब की संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इस अवसर पर प्रोफेसर शाहिद रजा जमाल, एनुल होदा, हलीम अख्तर, मोहम्मद सोहेल, अनु राहुल समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, उद्देश्य यही है कि इस समय जिस तरह से हालात इकोनॉमी के खराब हो रहे हैं और जॉब लॉस इतना ज़्यादा हो चुका, हम अपने छोटे शहर में कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है वो एक ऐसा कैंप लगा करके ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो इसलिए हमने बहुत सारे एयरटेल से लेके मैकडोनाल्ड से लेके बहुत सारी कंपनियों को हम लोगों ने दावत दिया, जिसको हाथ तो हाथ लोगों ने लिए हैं, और हमने प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी किया कि ताकि लोग रजिस्टर करा करके यहाँ आएँ और अपना इंटरव्यू दें। ऐसा नहीं कि लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, लोग हैं कॉम्पिटेंट, लेकिन भागलपुर शहर में ये हमारी सोच है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जिस तरह से लोग आए हैं, जिस तरह से कंपनियां बैठ करके इंटरव्यू ले रही हैं, मुझे लगता है कि ये शायद हम लोगों का बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन है, और इसके बाद हमारी जो प्लानिंग होगी वो बहुत अच्छे से हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे। आई होप कि हर डिपार्टमेंट, यानी कि फिशरीज से लेके होटल एंड कैफेटेरिया मैनेजमेंट तक और एयरटेल से लेके मैकडोनाल्ड तक लोग सब आए हैं,
और इंटरव्यू ले रहे हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स के, और उनका जो डाटाबेस को रखा जा रहा है, बहुत सारे लोगों का जॉब कंफर्म हो रहा है और बहुत सारे लोग अब पाइपलाइन में हैं। बिहार के सहरसा नया बाजार में पकड़े गए अपराधियों के पास से सहरसा पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस द्वारा भारी संख्या में कार्बाइन, मैगजीन, देसी कट्टा, देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद करने के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। जबकि सहरसा पुलिस की इस कामयाबी को बड़ी घटना को अंजाम देने से रोकने में कामयाब होने के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल गुरुवार देर रात नया बाजार सहरसा से सदर थाना को हथियार बंद कई अपराधियों द्वारा वारदात को अंजाम देने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मुस्तैदी दिखाते हुए डीएसपी निशिकांत भारती के नेतृत्व में सदर पुलिस के साथ तुरंत लोकेशन पर पहुंची, जहां अपराधियों ने पुलिस को आता देख वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुई छापेमारी से किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला और पुलिस ने सभी 6 अपराधियों को मौके से दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों में साहिल कुमार, गोलू कुमार, प्रतीक आनंद, शिवम कुमार, गोलू कुमार और प्रणव कुमार शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सहरसा एसपी लिपि सिंह ने बताया कि 6 में से 3 बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है, जबकि सभी अपराधी 22 से 24 वर्ष के उम्र के बताए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि सहरसा पुलिस की इस कामयाबी के कारण बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम कर दिया गया है, जो आम लोगों के लिए भी राहत की बात है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच पानी की समस्या भी गहराती जा रही है। निगम प्रशासन की लचर व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण चिलचिलाती धूप में लोग दूर दूर से पानी लाने को विवश हैं। वार्ड नंबर 1 के लकीकांत आचार्य लेन स्थित 10 पूजा दुर्गा स्थान के पास बोरिंग नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों को भीषण जल समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर कुछ दिन पूर्व स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थल निरीक्षण कर अपने निजी कोष से बोरिंग कराने का वादा किया। और इसी कड़ी में विजय कुमार यादव द्वारा 10 भुजा दुर्गा स्थान परिसर में बोरिंग का काम शुरू कराया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन विजय कुमार यादव एवं स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बोरिंग नहीं होने के कारण हम सबों के बीच पानी की घोर समस्या उत्पन्न हो गई थी और लोग बूंद बूंद पाने के लिए तरस रहे थे। उन्होंने विजय कुमार यादव का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने हमारी जरूरत को समझा और पानी की समस्या को दूर किया है। हम सबों को आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। उन्होंने जो वादा किया था वह पूरा किया। युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि पूरे शहर में लोग पानी के लिए परेशान हैं और नगर निगम एवं वर्तमान जनप्रतिनिधि जल संकट की समस्या दूर करने में पूरी तरह विफल हैं। उन्होंने बताया कि मैंने लोगों की जरूरत और परेशानियों को देखते हुए कई वार्डों में बोरिंग के साथ टंकी लगवाकर घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था अपने निजी कोष से किया है। इस अवसर पर राजीव कुमार सिन्हा, संतोष आचार्य, नारायण आचार्य समेत कई लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम ये लखीकांत आचार्य लेन दसभुजा दुर्गा स्थान है। यहाँ पे पानी को लेकर बहुत समस्या थी। पानी को लेकर तो पूरे भागलपुर में समस्या है। लगभग 50% आबादी जो है, 50% आबादी पानी के लिए अभी जो है तरस रहे हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे कुछ पानी की समस्या थी पानी के लिए, जिसमें हम जो है अभी आपातकाल बोरिंग का काम स्टार्ट हुआ है, जो कि लोगों को पानी की सुविधा मुहैया हो सके। पूरे समाज ये पूरे समाज को यहाँ पे करीब सैकड़ों घर है जिसको इससे पानी से फायदा मिलेगा। ये बोरिंग विजय यादव जी की तरफ से हम लोग को गिफ्ट दिया गया है और इसमें हमारे समाज का पूरा जल के लिए हम लोग त्राही त्राही थे। इनके द्वारा
जो अनमना सहयोग किया गया है तो हम लोग तहे दिल से जन्म जन्मांतर तक भूल नहीं सकते हैं। और मना जो पानी की समस्या थी हमारे यहाँ, संभवतः वह इन्होंने सोल्व कर दिया। और ये लक्ष्मीकांत आचार्य लेन दसभुजा दुर्गा स्थान में वार्ड नंबर एक में यह बोरिंग हो रहा है। और पता नहीं हम लोग कितने ऋणी इनके हैं हो गए, इसका वर्णन करना संभव नहीं है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में जिला प्रशासन के निर्देश पर सीओ शंभू शरण राय और वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने इलाके को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं इसको लेकर सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि श्रावणी मेला की तैयारियों को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सीओ ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। मौके पर अंचल और प्रखंड के अधिकारी कर्मी सहित काफी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद थे। हम लोग जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरा ये खाली करा दिए थे कमरिया पर, फिर लोगों के द्वारा अस्थायी रूप से कुछ कुछ नाद कुत्ता ये सब कर दिया जा रहा है। लेकिन अब हम लोग इस पर, अभी ये लोग नहीं माने हैं, अब हम लोग फाइन करेंगे और फाइन इन लोगों से वसूल भी करेंगे ताकि ये लोग इस तरह का हरकत दोबारा न करें। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना मुख्यालय के राम जानकी ठाकुर बाड़ी के पीछे परवानी नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक सुबह शौच के लिए परवानी नदी किनारे गया था, जहां वह पानी लेने के दौरान फिसल कर नदी में गिर गया, जिससे उसका सिर गहरे कीचड़ में फंस गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सिंहेश्वर नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 निवासी 40 वर्षीय लालो पासी के रूप में हुई है। वही शौच से वापस लौटने में हुई देरी पर जब उसका भतीजा राजा अपने चाचा लालो पासी को ढूंढते हुए परवानी नदी के समीप गया तो उसे लालो पासी नदी के गड्ढे में फंसा दिखाई दिया, जबकि इसकी खबर फैलते ही आसपास के लोग नदी किनारे इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों की मदद से लालो पासी को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुके थे। इधर मौत की खबर मिलते ही मृतक की पत्नी उर्मिला देवी, भाभी उषा देवी और 15 वर्षीय पुत्री रूबी कुमारी गहरे सदमे में है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सिंहेश्वर थाने के थाना अध्यक्ष अरुण कुमार दलवल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना को लेकर कुछ भी स्पष्ट कहा जा सकता है। सुबह सुबह गए थे लेटिंग करने के लिए, तो जैसे चाची आया तो बोला कि जैसे चाचा नहीं मिल रहा है, तो हम भी खोजने लगे धार के साइड में, तो हमको पता नहीं चला जिसमें है, तो सोचे कि चले गया होगा बाजार, तो बाजार गए तो बाजार में जो खोजे तो नहीं मिला, तो घर पर गए, घरों पर नहीं था, तो फिर गए धार, धार गए तो वहाँ पर कुत्ता मिला, तो उधर गए कुत्ता तरफ तो देखे पानी में डूबा था, तो उसको निकालने की कोशिश की, आदमी को बोला है वहाँ। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्धा हदिया में बीते 24 अप्रैल को एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा मधेपुरा पुलिस ने हत्या के 25 दिन बाद कर दिया है। इस मामले को लेकर मधेपुरा सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ऑटो मालिक और चालक का विहाई निवासी प्रमोद यादव उर्फ कोयली यादव को बीते 24 अप्रैल को अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी। एसडीपीओ ने बताया कि यह घटना मधेपुरा पुलिस के लिए खुली चुनौती थी, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर एसपी के निर्देश अनुसार उसके नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें सिंहेश्वर और शंकरपुर थानाध्यक्ष समेत टेक्निकल सेल के सदस्यों को भी शामिल किया गया था। वहीं एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने कहा कि जांच टीम ने इस घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इस वारदात में शामिल मुख्य अभियुक्त संजीत दास को पुलिस ने एक देसी कट्टा और 4 गोली के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में इस घटना में कुल 5 लोग के शामिल होने की बात पता चली है और सभी अभियुक्त की पहचान भी हो चुकी है। साथ ही कहा कि घटना के पीछे अवैध संबंध और पैसे के लेन देन का विवाद भी बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस जल्द ही सभी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लेने की बात कही। दिनांक 24/4/22 को सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्धा हटिया के पास एक ऑटो चालक उसका मालिक भी था, उसकी उसको गोली मार दी गई थी और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। यह घटना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के निर्देशानुसार एक टीम का इसमें गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष शंकरपुर और थानाध्यक्ष सिंहेश्वर भी शामिल थे और टेक्निकल सेल के सदस्य। इस टीम ने अच्छा काम किया और इसमें शामिल एक मुख्य अभियुक्त को वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है।
उसके पास से एक हथियार और चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल भी बरामद हुआ। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संचार क्रांति के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के शहादत दिवस पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। साली के प्रेम में पागल पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नदी किनारे किया दफन। बेगूसराय में भोज खाकर घर वापस लौटने के दौरान पत्रकार की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। जांच में जुटे पुलिस। रोजगार मेला में युवाओं की उमड़ी भीड़। बेरोजगारों में जगी उम्मीद। और सहरसा पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।